तो यहाँ पे मैंने YouTube स्टूडियो ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड ये सारा पैनल दिख रहा है, हमने एनालिक्ट पे प्रेस करना है। ये ओवरव्यू आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है, तो उसके हिसाब से एनालिक्ट पे हमने प्रेस करेंगे। तो इसमें ये ओवरव्यू है, तो पहले चैनल का ये चैनल एनालिक्ट है, इसमें हम देख सकते हैं। तो इसमें ओवरव्यू में आप देख सकते हैं रियल टाइम कितना वॉच आ रहा है, कितने अभी टाइम है, और कौन सी जो वीडियो है टॉप पे जा रही है, और पिछले 48 और घंटे का कितना ये ट्रैफिक है, कौन सी वीडियो पे ज़्यादा टाइमिंग आ रही है, व्यू आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 60 मिनट पे आप प्रेस करेंगे तो एक घंटे का क्या व्यू है वो सारा देख सकते हैं। 48 आवर पे प्रेस करेंगे तो उसका क्या व्यू है। तो उसके बाद हम जो प्रेस करेंगे, ये तो ओवरव्यू था, उसके बाद हम ऑडियंस पे प्रेस करेंगे। तो ऑडियंस से आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न सब्सक्राइबर कितने हैं, वॉच आवर कितना है, वो सारा देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं YouTube ग्रोइंग योर ऑडियंस, वीडियो जो ग्रो कर रही है आपकी ऑडियंस कैसे है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा ये सारा कंटेंट है, ये कौन सी कंट्री से आपको ट्रैफिक मिल रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए सी मोर करोगे तो आपको सारी कंट्रीज़ का पता लग जाएगा कहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रही है। तो ये सारा आप चेक कर सकते हैं अपनी ट्रैफिक के लिए। तो उसके अलावा हमने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपनी वीडियो पे सबटाइटल लगाने का क्या बेनिफिट रहता है, कि उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी अनदर लैंग्वेज जो आपको आपकी हिंदी लैंग्वेज या जो आप यूज़ कर रहे हो वीडियो में नहीं सुनते हैं या नहीं अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अनदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी ये वीडियो देखी गई है। जैसे आप इस पे सारे डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं, जैसे पंजाबी होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, तो गुजराती होगी, तो ऑटोमेटिकली कैसे रोटेट करने के बाद जो सबटाइटल है उसे कैसे वीडियो देख रहे हैं। तो उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारा आपकी ऑडियंस, आपके चैनल की ऑडियंस कब इस पे ज़्यादा व्यू देती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरे हफ्ते का ये शेड्यूल बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं मंडे को बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप कम है, तो उसके अलावा जो बाकी के दिन हैं आप इसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियो का टाइम सेट कर सकते हैं। वो ज़्यादातर जो टाइम है वो इवनिंग का आता है, 8 से 9 ज़्यादातर टाइम, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपने, ये देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइम आप ज़्यादा हाईलाइटेड है, जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियो का टाइम शेड्यूल कर सकते हैं या उस टाइम पे पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी इस टाइम पे, इसका बेनिफिट है। तो आप देख सकते हैं कितने सब जो आपके सब्सक्राइबर हैं बेल नोटिफिकेशन के बाद कैसे उस पर आपकी ट्रैफिक आती है। उसके अलावा हम आ जाते हैं एज और जेंडर, इसमें मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी। मेल कैटेगरी ज़्यादा वीडियो देखती है तो आप देख सकते हैं, तो आपकी ये ट्रैफिक आपको पता लग जाती है। उसके अलावा आ जाता है एज, जैसे कि आप मैं देख सकते हैं जो एज है, इसमें कौन सी एज सबसे ज़्यादा आपकी वीडियो देख रही है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये सारा व्यू आप देख सकते हैं, ये आपके चैनल के अंदर ही ये टूल है, ये फीचर है जो आप चैनल एनालिटिक्स को देख सकते हैं।
तो उसके अलावा इसका बेनिफिट और भी क्या रहता है कि जैसे आप कंटेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसमें क्या बेनिफिट रहता है कि कौन सी ऑडियंस को आपने दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऑडियंस आपका कंटेंट देख रही है, इंटरेस्ट बेस क्या है। तो उसके बाद आपने ये सारा देख लिया है, नेक्स्ट इसमें हम जो स्टेप बाय स्टेप मैंने ये सारा बताया है, आप यहाँ से अपना ओवरव्यू सारा सिस्टम का देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का ये डैशबोर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी आपकी वीडियो है, ग्रोइंग पे है, लास्ट टाइम पे कितने सब्सक्राइबर, आप पूरा डे वाइज देख सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको सारा ओवरव्यू चैनल एनालिटिक्स बताया था, उसके बाद जो हमारा ग्लोबली ज़्यादातर जो व्यूअरशिप रहती है, तो इस टाइम पे भी आप अपनी वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं, जो बेस्ट टाइम और बेस्ट डे यूट्यूब वीडियो पब्लिश करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी होता है, कौन सी कैटेगरी है। जैसे कि बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, वो 8 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं, और उसके अलावा जो बाकी की जैसे कि रेसिपी या किचन के रिलेटेड वीडियोज़ होती है, वो ज़्यादातर 3 बजे अपलोडेड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी अभी जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि फ्राइडे को आप जैसे कि इवनिंग, ये सारा इवनिंग का शेड्यूल है, इस टाइम पे भी ग्लोबली ट्रैफिक रहती है और आपकी कंट्री वाइज भी रहती है। तो आप दोनों तरीके के अकॉर्डिंग अपने चैनल को स्टडी कर सकते हैं वीडियो को ग्रो करने के लिए। जैसे कि आप फ्राइडे को देख सकते हैं 6, 7, 8 और 9 PM इवनिंग का टाइम है, और उसके अलावा सैटरडे को है 3 PM to 4 PM, ये भी अच्छा टाइम होता है, ये तब ग्रोइंग होती है वीडियो और जल्दी से वायरल होती है, और 5 और 6 का टाइम। उसके अलावा अगर संडे को आप पब्लिश करते हो तो 12 बजे से लेके दोपहर को 12, 1, 2 या 3 बजे तक आप वीडियो पब्लिश कर सकते हो। इन टाइम के बीच बीच इस टाइम पे ऑडियंस व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। जो भी आप शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग आप वायरल करवा सकते हो वीडियो को। तो जैसे कि मैंने दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि YouTube स्टूडियो से कैसे आप चेक कर सकते हैं अपना ऑडियो सेगमेंट, और उसके अलावा कैसे आप ग्लोबली आप सारा स्टडी कर सकते हैं, और कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने कौन सी जो है वीडियो अपलोड कर दी है ताकि आपके वीडियोस पे ट्रैफिक आए। तो ये अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपको